एसडीएम निवास पर एक जहरीला सांप होने की सूचना पर फिरोज खान मौके पर पहुंचे और इस सांप को सुरक्षित पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया। सावधानी है कि बांस नहीं पकड़ते हैं, रस्सी को ज्यादा। टेढ़ा हो रहा है, इस तरफ निकल गया, निकल गया, ब्रेक टाइम बंद ना सही, टेढ़ा हो गया। मैं कह रहा था आंटी निकाल दो, आंटी नहीं निकलेगी, वो ड्रॉप लगाएगी। बॉडी ऊंची कर थोड़ी, दीपक थोड़ी सी और, बॉडी ऊंची थोड़ी सी ऊंची करवा कर मुंह डाल दो अंदर। हाँ बस बस बस, सीधे अंदर नीचे कर दे, ऊंची कर, गीली हो गई यार। साइड में कर थोड़ा, साइड में कर, दूर ला इधर ला। अरे पूरी दिक्कत हो जाएगा, अब चला जाएगा। चल खींचो बोरी, खींच लो इसलिए के जर साथ आएगी। वो माय करीब आएगा सर, 1500 कंपनी आएगा। सर आज यहाँ पर किस तरीके का जीव निकला था सर? ये यहाँ पर एक कुआ आप जो देख रहे हैं, इसके अंदर एक ये जिसको रसेल वाइपर बताया जा रहा है, ये गिर गया था। मुझे सूचना मिली कि ये 2 दिन से जो है उसमें बहुत सामान्य स्थिति में नहीं है। कल शाम को जब मैंने सीएमओ से पता किया तो उन्होंने श्री फिरोज खान का नाम बताया कि ये जो है इसमें कुशल है काम को करने के लिए। तो इन्हें मैंने फ़ोन करके बात की और आज इस प्राणी का जो है प्राण रक्षा हो गई। अन्यथा ये पानी में टेम्परेचर, पानी में रहने वाला सांप नहीं है ये, इसके साथ कोई दुर्घटना घटित हो सकती थी। तो इसकी सुरक्षा के लिए आज इसको जो हमारे फिरोज खान है विदिशा के, इनसे इसको पकड़वाया गया। सर फिरोज खान पिछले 25 साल से इस तरीके के कार्य कर रहे हैं लेकिन इनको अथॉरिटी लेटर आज तक नहीं मिला, इनके लिए अपन क्या प्रयास करेंगे सर? हाँ, मुझे ये अभी मालूम पड़ा है क्योंकि मैंने पहले भी इनका नाम तो सुना था कि ये यहाँ कहीं भी विदिशा में सांप निकलते हैं जहाँ मनुष्य के लिए जो है कष्टकारी हो सकते हैं, तो फिरोज खान जा कर के वहाँ से पकड़ते हैं सांप को। तो ये बात अभी पता चली है कि इनको कोई अथॉरिटी इसमें नहीं है। तो चूँकि आबादियाँ बढ़ रही हैं और मकान नई नई जगह बनते हैं जहाँ सांप की जगह होती है रहने की, वो पहले से रहते आ रहे हैं, वो सांप की तो कोई गलती है नहीं। और ये जो फिरोज खान इसको पकड़ करके और जंगली इलाकों में छोड़ते हैं जहाँ पर कि सांप अच्छे तरीके से रह सकता है, तो इस अच्छे कार्य के लिए इनको एक अथॉरिटी लेटर के संबंध में कानून के दायरे में रहते हुए मैं बातचीत करूँगा अफसरों से। आज ये सांप कहाँ से रेस्क्यू किया है आपने और क्या क्या नाम है इसका? इसका नाम रसल वाइपर है जो कि एक जहरीला सांप है। ये कुएं में गिर गया था, साहब का मेरे पास फ़ोन आया था तो मैंने कहा कि अपन सुबह इसको रस्सी वाला एक झूला जिसकी मदद से मैं नीचे उतरा और इसको सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है।
अब उसको जंगली इलाके में मैं उसको रिलीज़ कर दूंगा। ये जो कुआ है इसकी गहराई कितनी होगी लगभग? कुछ 25 से 30 फीट होगी इसकी गहराई। इसमें रस्सी की मदद से उतर के और उसको बचा लिया, उसको रेस्क्यू कर लिया। छोड़ रही है प्रेम।